हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ही हैज नो क्लू अबाउट व्हाट मेक्स अमेरिका ग्रेट। क्या अमेरिका में फिर से बनेगी ट्रंप सरकार या बाइडेन की होगी जय जयकार? अमेरिका के चुनावी घमासान में भारत के लिए क्या है? राष्ट्रपति चुनाव पर क्या सोचते हैं अमेरिका के हिंदुस्तानी? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट। कौन बनेगा राष्ट्रपति? सीधे अमेरिका से, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मेरे यानी प्रणय उपाध्याय के साथ। मेरे यानी मधु भाटिया झा के साथ। कौन बनेगा राष्ट्रपति? सिर्फ एबीपी न्यूज पर। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपिका लियाकत। तो कल दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश और सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनाव होने जा रहा है। अब वो घड़ी आ चुकी है जब दुनिया को ये पता लग जाएगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या अमेरिका में हिंदू नाम वाला राष्ट्रपति बन सकता है? मैं सवाल को थोड़ा और सीधा करके आपसे पूछती हूँ, क्या अमेरिका में कोई हिंदू राष्ट्रपति बन सकता है? आप कहेंगे क्या मजाक है, लेकिन अमेरिका में कोई है जो इस सपने को जी रहा है, अपने संगठन के जरिए ये सुनिश्चित कर रहा है कि अगले कुछ सालों में एक हिंदू अमेरिका का राष्ट्रपति बने। क्या ऐसा हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे हो सकता है? इस बात का जवाब एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने अमेरिका में खोजने की कोशिश की है। आप इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिए और उसके बाद अमेरिका आपको लेकर चलेंगे, जहां से मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी और प्रणय भी जुड़ने वाले हैं। क्या अमेरिका में रहने वाले हिंदू डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट की तरह अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन सकते हैं? क्या हिंदू नाम वाला नेता व्हाइट हाउस पहुंच सकता है? इन सवालों की वजह ये तीन लोग हैं जो अमेरिकन हिंदू कोलेशन नाम की संस्था से जुड़े हैं। भले ये संस्था बीते 4 साल से ही सक्रिय हो, लेकिन इनके सपने आसमान जितने ऊंचे हैं एक हिंदू को अमेरिकी राष्ट्रपति बनते देखने के। मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि 2024 में जो राष्ट्रपति होने की चाशा है वो नम्रता रंधावा हो सकती है। अगले 4 सालों में हिंदू राष्ट्रपति बनाने की संभावना जताने वाले ये शेखर तिवारी हैं, जो अमेरिकन हिंदू कोलेशन नाम की संस्था के अध्यक्ष हैं, जो 2024 में एक हिंदू राष्ट्रपति के भारत आने का सपना देख रहे हैं। उपाध्याय, आपके जीवन में ही एक हिंदू प्रधान राष्ट्रपति हो गया, भारत जाएगा, उस समय लोग देखते रहेंगे कि ये कौन है। सवाल यह है कि वो चेहरा कौन है? क्या वो निकी नम्रता रंधावा होंगी? या फिर कमला देवी? It's why during the foreclosure crisis, I took on the big banks as California's attorney general. ऐसे ढेरों चेहरे जो अमेरिकी चुनाव में हिंदुस्तान के दबदबे की कहानी बयां कर रहे हैं। इसका सबूत डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की पेंसिल्वेनिया की रैली में देखने को मिला। ट्रंप और बाइडेन इस राज्य को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जो भी इस राज्य को जीतेगा वो व्हाइट हाउस की रेस जीतेगा। ऐसी एक रैली के दौरान एबीपी न्यूज के कैमरे पर इवांका ने कहा, हम भारत को बहुत प्यार करते हैं। इवांका, I have come from India. Just to cover your campaign. इवांका, एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय को दिए जवाब से सवाल उठता है कि भारत से प्यार करना क्या अमेरिकी राजनीति की मजबूरी बन गया है? इस सवाल की वजह ये तस्वीर है जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के चुनावी दफ्तर में हिंदुओं को लुभाने के लिए नेताओं ने राम नाम की चुनरी ओढ़ ली। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। सवाल ये है कि क्या माना जाए कि अमेरिकी राजनीति में हिंदू वर्चस्व की तरफ बढ़ रहे हैं? जब कांग्रेस में हमारे 25-30 हिंदू ना साड़ी पहने महिलाएं बिंदी लगाए वहाँ खड़ी होंगी, देखिएगा ये देश का चित्र बदल जाएगा। व्हाइट हाउस में शांति पाठ का आयोजन, रिक्षगम शांति, ट्रंप का भारतीयों के बीच दिवाली मनाना या फिर जो बाइडेन का गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना,
loved one may have left this earth. इससे ये तो पता चलता है कि दोनों ही पार्टियों को भारतीयों का वोट चाहिए। अमेरिकन हिंदू कॉलेशन नाम की संस्था को इसी में मौका दिख रहा है, जिसका दावा है कि आने वाले सालों में हिंदू लॉबी यहूदी लॉबी से भी आगे निकल जाएगी और दुनिया भर के हिंदुओं को बचाने में अमेरिकी शक्ति का भरपूर इस्तेमाल होगा। बांग्लादेश के हिंदुओं की और पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? हिंदुस्तान तो करेगा नहीं। हिंदुस्तान उनको शरण दे सकता है, अपने यहाँ बुला सकता है, लेकिन उनके देश में उनकी स्थिति ठीक नहीं कर सकता। वो एक यही देश कर सकता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स। We are the United States of America. आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ तलवार क्यों बनेगा, ये समझने के लिए प्रणय उपाध्याय ने शेखर तिवारी से बात की और पूछा कि आखिर उन्हें ऐसा सोचने की प्रेरणा कहाँ से मिली। देखिए, वर्ल्ड वार टू के बाद यहूदियों की 22 देशों में उनकी बड़ी बेइज्जती होती थी ना? वो तबाह होकर के न्यूयॉर्क के क्वींस के इलाके में इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये तबाही कैसे बची जाए। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक संगठन बनाओ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाओ। तो उन्होंने जन्म दिया अमेरिकन ज्यूइश कोलिशन। आज वो 115 वर्ष पुरानी है। हर एक देश में उनके मुख्यालय हैं और वो एक तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो जहाँ जहाँ यहूदियों को तकलीफ होती है तो अमेरिकन पावर का यूज करते हैं। तो लक्ष्य यहूदियों की तरह मजबूत लॉबिंग का है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका में कुल वोटरों की संख्या 23 करोड़ है। इसमें भारतीय वोटरों का हिस्सा सिर्फ 19 लाख है, जो कुल वोट का महज 0.82% है। तो क्या सिर्फ 1% वोट के साथ इतना बड़ा सपना देखा जा सकता है, वो भी अमेरिका जैसे देश में जहाँ राष्ट्रपति पद को लेकर बाहर से आने वाले लोगों के लिए बेहद सख्त नियम है? ऐसे में इस तरह का दावा कैसे किया जा सकता है? इस अहम सवाल पर अमेरिकन हिंदू कॉलेशन के अध्यक्ष का अपना जवाब है। तो हिंदुओं की भी 3 धाराएं हैं। वी आर पॉलिटिकल हिंदूस, वी आर नॉट रिलीजियस हिंदू, वी आर नॉट कल्चरल हिंदू, वी आर पॉलिटिकल हिंदू। समझे ना? देखिए, चाणक्य वॉज नॉट रिलीजियस हिंदू, ही गेव बर्थ टू भारत, ही डिस्ट्रॉयड 1850 कंट्रीज एंड मेड 1 कंट्री। बाजीराव पेशवा वन 3/4 ऑफ इंडिया। नन ऑफ दीज पीपल आर रिलीजियस। सो वी सेम वे वी आर पॉलिटिकल हिंदूस। अमेरिकन हिंदू कॉलेशन का दावा है कि अमेरिका में भारतीय और गैर भारतीय हिंदुओं की आबादी 50 लाख है। इसमें भारत के साथ साथ कैरेबियन हिंदू और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी सनातन धर्म में आस्था है। मतलब अमेरिका में रहने वाले दुनिया भर के हिंदुओं को एक करो और यहूदियों की तरह दुनिया भर में हिंदुओं को बचाने के लिए अमेरिकी प्रभाव का इस्तेमाल करो। अभी भी ये देश सबसे पावरफुल देश है। और जैसे देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश में 20 मिलियन हिंदू हैं, पर भारत उनका कुछ नहीं कर पा रहा। उनकी सहायता लेता है हसीना सरकार को जिताने के लिए, पर वो बेचारे मरते रहते हैं, पर हिंदुस्तान कुछ नहीं करता। तो उनकी रक्षा कैसे की जाए? बांग्लादेश के हिंदुओं की और पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? हिंदुस्तान तो करेगा नहीं। हिंदुस्तान उनको शरण दे सकता है, अपने यहाँ बुला सकता है, लेकिन उनके देश में उनकी स्थिति ठीक नहीं कर सकता। वो एक यही देश कर सकता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स। शेखर तिवारी का दावा है कि ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले हिंदू पढ़े लिखे होने के साथ साथ संपन्न भी हैं। अमेरिका के लोगों की सालाना औसत आमदनी 4,62,000 रुपए है, जबकि भारतीयों की औसत आय 8,92,000 रुपए है। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका में रहने वाले भारतीय अमेरिकी नागरिकों से 2 गुना ज्यादा कमाते हैं। यही वो आंकड़ा है जिसने शेखर तिवारी जैसे लोगों को सपने देखने का हौसला दिया है, जिनका दावा है कि मालामाल भारतीयों को खुश करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। कमला हैरिस कैसे वाइस प्रेसिडेंट बनी? वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट, हाउ डिड सी देयर, शी वाज फेसिंग 6 कैंडिडेट्स ऑल ब्लैक्स, बट व्हाई शी वाज सिलेक्टेड? कैन यू आंसर मी? क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि इसके पीछे कमला नाम जो है ये उसकी मनी 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 वी हैव वी ऑफर्ड बाइडेन $7 मिलियन
First time we raised 1.2, then we raised 3.2. Now this week we are going to give him $2 million. So money, Biden was out of money. When she came out of the primaries, he has no money. So the reason he picked Kamala, one of the reason he picked Kamala, because we gave him money from the Silicon Valley. ये इस दावे को मजबूती देने वाले कुछ चेहरों की तस्वीर है जो भारतीय होने के साथ साथ हिंदू भी है। कैलिफोर्निया 17 कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में तो मुकाबला दो भारतीय मूल के अमेरिकियों में है। रिपब्लिकन पार्टी ने जहां रो खन्ना पर दोबारा भरोसा जताया है, तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने रितेश टंडन को चुनाव में उतारा है। प्रमिला जयपाल, रिक मेहता, निशा शर्मा, ये वो नाम है जो आने वाले सालों में अमेरिकी राजनीति में ऊंचे पदों पर बैठ सकते हैं। जब कांग्रेस में हमारे 25-30 हिंदू है ना, साड़ी पहने महिलाएं बिंदी लगाए वहां खड़ी होंगी, देखेगा ये देश का चित्र बदल जाएगा। अमेरिका में रहने वाले हिंदू वोटर जैसे जैसे आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, उससे ये विश्वास और मजबूत हो रहा है। क्योंकि अमेरिकी हिंदुओं ने यहूदियों को संपन्नता में पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में 22 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों में यहूदी 16% तो भारतीय 17% है। 37 लाख से 75 लाख की सालाना आमदनी वालों में यहूदी 24% तो भारतीय 34% है। अगर बात शिक्षा की करें तो 34% यहूदी पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वही 38% भारतीय। उच्च शिक्षा के मामले में यहूदियों पर भारतीय भारी है। यही बात अमेरिकी नेताओं को हिंदुओं के प्रति आकर्षित कर रही है और वो इस तरह से उनके रंग में रंगकर वोट मांग रहे हैं। The Hindu community is tremendous. You know, I'm so proud to work with those communities to make sure that we understand, you know, what they're doing, to make sure we understand too that there are things that we have to do to reach out to the Hindu community to understand in an even deeper way the things that are important to Hindu community and what we can do to help. यानी अमेरिकी चुनाव में चाहे कोई भी पार्टी हो, वो हिंदू वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, जिससे अमेरिकी राजनीति में हिंदू वोटरों का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है, जिसका मतलब कुछ लोग 2024 में हिंदू राष्ट्रपति के तौर पर निकाल रहे हैं। जो चीज है आपको कॉन्फिडेंस देती है कि एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति एक हिंदू नाम वाला व्यक्ति हो? आपके जीवन में, आपके नहीं, हमारा ख्याल है कि हो सकता है कि 2024 में जो राष्ट्रपति होने की चाहत है वो नम्रता रंधावा हो सकती है। और अगर आप इस बार का भी इलेक्शन देखें तो तुलसी गबार्ड इज अ हिंदू कैंडिडेट, उसने भी ट्राई किया था राष्ट्रपति का डेमोक्रेटिक पार्टी का टिकट लेने के लिए। तो इसका मतलब ये हिंदू आ रहे हैं, हो सकता है कुछ वर्षों में तुलसी गबार्ड जैसे लोग सक्सीड करें और कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लें। 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदू होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 77 साल के जो बाइडन अगर जीते तो कमला हैरिस की राष्ट्रपति बनने की संभावना है बहुत मजबूत हो जाएगी। तब कौन जाने हिंदू नाम वाली कमला हैरिस का मुकाबला नम्रता रंधावा और तुलसी गेबार्ड से हो। भारत के लिए ट्रंप का जीतना अच्छा है या बाइडन का साथ सच्चा? क्या 4 नवंबर को आप आएंगे चुनावी नतीजे या फंस जाएगा परिणामों का पेच? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की हर बड़ी खबर सीधे अमेरिका से देखिए मेरे साथ कौन बनेगा राष्ट्रपति, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। हमारे साथ इस वक्त दो खास लोग जुड़े हुए हैं, एक तो मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जो इस वक्त अमेरिका के चुनावों को कवर करने के लिए वहां पर पहुंचे और उन्हीं की रिपोर्ट को आप देख रहे थे, और हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव जी हैं जो कि अमेरिकन हिंदू कोलिशन के महासचिव हैं। आप दोनों से मैं बात करूंगी, लेकिन बहुत ही संक्षेप में उससे पहले दर्शकों को अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनावों का थोड़ा सा अपडेट देना चाहती हूं। अमेरिका में ये राष्ट्रपति चुनाव होते कैसे हैं, उसका सिस्टम क्या है, ये भी जानकारी आपको आगे मिलेगी, एक रिपोर्ट हमने तैयार की हुई है। लेकिन फिलहाल विशेषज्ञों की तरफ से जो कहा जा रहा है, जैसे फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना और एरिजोना, ये बहुत ज्यादा डिसाइसिव है।
पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में जो बाइडेन को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, और ये अंदाजा इसलिए मिल रहा है क्योंकि अमेरिका में वोटर्स अगर चाहें तो वो पहले से वोट कर सकते हैं। अमेरिका में अब तक 9 करोड़ लोग अपना वोट डाल चुके हैं, बाकी जो बचे वोटर्स हैं वो कल 3 तारीख को अपना वोट देंगे। 4 नवंबर की शाम तक ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि कौन आखिरकार राष्ट्रपति होगा। नेशनल पोल्स में जो बाइडेन बहुत आगे लग रहे हैं उनकी जो संभावना है वो 50% है और ट्रंप की 41% है। अब मेरे साथ जो स्पीकर्स हैं उनका मैं रुख करना चाहती हूँ। सबसे पहले आलोक जी आपसे ये जानना चाहती हूँ, देखिए वाइट सुप्रीमेसी, अमेरिका द बिग डैड, और ऐसे में सोचिए ये सोचना कि एक हिंदू नाम वाला प्रेसिडेंट अमेरिका का हो सकता है, ये कितना प्रैक्टिकल है? धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया बोलने के लिए। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अभी कुछ वर्षों तक बराक हुसैन साहब जो कि मुस्लिम फेथ में भी बिलीव करते थे वो राष्ट्रपति बन गए, तो हिंदू राष्ट्रपति भी बहुत जल्दी बन सकता है। और जो बाइडेन साहब का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और जैसा कि अमरीकी कानून है उसके हिसाब से अगर राष्ट्रपति संयम नहीं है, सक्षम नहीं है और वो अपना काम नहीं कर सकता तो उपराष्ट्रपति अपने आप राष्ट्रपति बन जाता है। जरूरी नहीं कि उनका देहांत हो, अगर सक्षम नहीं है तो कमला देवी, अगर बाइडेन साहब बनते हैं तो कमला देवी जी के बड़े अच्छे चांस हैं कि वही राष्ट्रपति आगे बनेंगी और आगे भी सर्व करेंगी। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने नम्रता रंधावा जी को प्रमोट किया, उनको पहले यूनाइटेड नेशन में उनको भेजा ट्रेनिंग के लिए। अगर वो इस बार ट्रंप जी चुनाव जीत जाते हैं तो बहुत संभावना है कि वो अमेरिका की अगली विदेश मंत्री वो बनेंगी और उनके और महत्वपूर्ण उनको रोल मिलेगा। उसके बाद तुलसी गबार्ड जी थी, वो उनको टिकट नहीं मिल पाया पर वो भी उन्होंने काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद एक पीयूष जिंदल जी जो हैं वो लुधियाना के गवर्नर हुआ करते थे। तो भारतीय मूल के हिंदू नाम के लोग राजनीति में काफी आगे हैं। जो सीनेट है न्यू जर्सी से, वहां से रिक मेहता जी खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये असंभव है कि कोई हिंदू नाम का राष्ट्रपति कोई निकट भविष्य में नहीं बन पाएगा। ये बहुत कुछ संभावना है, चाहे वो कमला देवी हो, चाहे नम्रता रंधावा हो, या तुलसी जी हो, कोई भी हो सकता है। और आलोक जी हो सकता है, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप इस तरीके के इलेक्शंस में बहुत हद तक चाहे वो रिपब्लिकन्स हो डेमोक्रेटिक्स हो उनको मदद करते रहे हैं। प्रणय मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। प्रणय, ये जब स्टोरी आप कर रहे थे, आपको आपको क्या नजर आया, किस तरीके से इंडियन कम्युनिटी को वहां पर रिझाया जाता है? ये बहुत करीब से आपने देखा है, लेकिन इसके माने ये है कि वो किसी इंडियन कम्युनिटी को या इंडियन शख्सियत को, भारतीय मूल को अपना लीडर मान लेंगे? देखिए, ये तो अमेरिकी जनता तय करेगी रूबिकाल, लेकिन ये बात जरूर है कि मैंने इससे पहले भी अमेरिकी चुनाव कवर किए हैं, लेकिन इस बार ये पहली बार ऐसा देखने को मैं सामने आ रहा है कि जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस लेने की कोशिश कर रही है। वो काफी इन्फ्लुएंशियल है अमेरिकन सोसाइटी के लिहाज से, जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से वो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में बहुत अच्छे हैं, उनका फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा टैक्स कंप्लायंस है उन लोगों का, लेकिन पॉलिटिकल स्पेस में अभी तक वो राजनीति में आने से बचते रहे, कतराते रहे, उस तरीके से सक्रिय नहीं थे। लेकिन पहली बार ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि वो अपना पॉलिटिकल स्पेस लेना चाहते हैं अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, वो अपनी एक जगह लेना चाहते हैं। और अमेरिकन हिंदू कोएलिशन हो या हिंदूज फॉर अमेरिका हो, ये जो कई संगठन बीते कुछ समय के दौरान उभरे हैं वो राजनीतिक रूप से अपने प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। स्वाभाविक रूप से अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये इमिग्रेंट्स का कंट्री है, यहाँ हर कोई इमिग्रेंट है, बाहर से आया है, चाहे वो कितनी दशक पहले आया हो या कितनी पीढ़ी पहले आया हो, लेकिन जो लोग यहाँ नेचुरलाइज सिटीजन हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो अपनी भागीदारी कर सकते हैं। और कुछ समय पहले ही अगर आप देखें कि रितेश टंडन महज 20 साल पहले गए थे भारत से, और वो इस समय कांग्रेस की सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं सिलिकॉन वैली से, जो कि सिलिकॉन वैली दुनिया के अंदर जानी जाती है अपनी आईटी सुपर पावर के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ नजर आती हैं कि कोशिश हो रही है, ये कितनी कामयाब होगी ये बड़ा सवाल है, कि उसका एक्सेप्टेंस पर डिपेंड करता है कि अमेरिकी जनता कितना स्वीकार करती है इस तरीके के बदलाव को। वैसे मिस्टर श्रीवास्तव, ये खबर पढ़ते हुए और प्रणय की ये बातें सुनते हुए, आपके उस
सपने को आप जो शब्दों में बयां कर रहे हैं सुनते हुए पहले से ही फख्र की अनुभूति हो रही है और चेहरे पर मुस्कान हो रही है। लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी जानना चाहती हूँ, सिर्फ पैसा ही है या कुछ और भी है जो अमेरिकन्स को हिंदू नाम या हिंदू मूल से ताल्लुक रखने वाले शख्स की तरफ आकर्षित करता है? इज इट ओनली मनी, सिर्फ पैसा? नहीं जी, जो है इलेक्शन चाहे अमेरिका में हो चाहे दुनिया में हो, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो चंदा जिसको आपने डोनेशन कहा, और दूसरा है वोट। अमेरिका का सिस्टम ऐसा है वोट का कि किसी भी राज्य से भले ही एक पार्टी का आदमी एक वोट से भी जीत जाए वो उसके सारे वोट लेके जाता है। तो हिंदू जो लोग हैं, भारतीय मूल के, ये शिक्षित हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो ये वोट डालने जरूर जाते हैं। जब तक आप वोट नहीं डालेंगे पॉपुलेशन के रेशियो का कोई फर्क नहीं पड़ता। मोर इम्पोर्टेंट कि वोट डालने कौन जा रहा है। भारतीय और हिंदू लोग जो हैं ये वोट डालने जरूर जाते हैं, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत से नए नागरिक बने हैं, उन्होंने नागरिकता ली अमेरिका, वो सिस्टम को देखने जरूर जाते हैं कैसा भी मौसम हो। तो वोट कि उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, चाहे वैसे उनकी जो है पॉपुलेशन के हिसाब से ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो हिंदूज हैं उन्होंने यहाँ के अमेरिकनों का दिल जीत लिया है। अब आप कोरोना वायरस को ही देखें, आप कोरोना वायरस के लिए हर 6 में 1 मरीज जो है वो हिंदुस्तानी डॉक्टर द्वारा, भारतीय हिंदू डॉक्टर द्वारा देखा जाता है, जो कि सिर्फ प्राइमरी केयर सोल्यूशन। उसके बाद जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, सब भारतीय ही उनके हिंदू उनको देखते हैं, तो उनसे बड़े प्रभावित हैं, उनके देखभाल वो करते हैं। मतलब जहां जहां अमेरिका में कमी है, हम जो है उस कमी को पूरा कर रहे हैं, और इसीलिए वो ये जानते हैं कि हमारा होना, और ये मानते हैं कि हमारा होना कितना जरूरी है, हम एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। देखिए, अभी तो ये माना जा रहा है कि 3 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होंगे और 4 नवंबर की शाम तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति कौन होने वाला है अमेरिका का अगला। लेकिन एक पेच जो है वो फंस रहा है, और इस बार ये हो सकता है कि अमेरिका में चुनाव के नतीजे आने में थोड़ा वक्त लग जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों होगा? प्रणय उपाध्याय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि वो प्रक्रिया क्या है, कैसे होते हैं अमेरिका के चुनाव, क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरीके से चुनाव होते हैं वहां वैसे चुनाव नहीं होते, उसका एक अलग सिस्टम है। पहले आप वो प्रक्रिया देखिए और उसके बाद वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, जहां बीते 200 सालों से ज्यादा वक्त से राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। लेकिन दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के बेहद ताकतवर राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही पेचीदा तरीके से होता है, जो कई लंबी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। अमेरिका में हर 4 साल में चुनाव होते हैं। जनता डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनती है। अमेरिकी इलेक्शन की प्रक्रिया प्राइमरी से शुरू होती है, जिसमें दोनों पार्टियों के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। मतलब ये कि अमेरिकी जनता सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती, बल्कि उन लोगों को चुनती है जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अमेरिका में जनता इलेक्टर्स चुनती है, जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्टर्स होते हैं वही राष्ट्रपति बनता है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, जहां से 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं, जो आगे चलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। इलेक्टर्स की संख्या राज्य की आबादी के आधार पर होती है। उदाहरण के तौर पर कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टर्स होते हैं, तो वहीं अलास्का और डेलावर जैसे राज्यों में सिर्फ 3 ही इलेक्टर चुने जाते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 मत हासिल करने होते हैं। चुनाव विनर टेक्स ऑल के सिद्धांत पर होता है, यानी किसी भी राज्य में 50% से अधिक इलेक्टर्स का वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार के खाते में शेष सभी इलेक्टर्स के मत चले जाते हैं। इसीलिए स्विंग स्टेट का महत्व तो बढ़ जाता है। इलेक्टर्स जीतने के बाद अपने स्टेट में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं, जिन्हें जनवरी की शुरुआत में गिना जाता है। आखिर में अमेरिकी कांग्रेस अगले राष्ट्रपति के नाम का आधिकारिक ऐलान करती है। 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति की शपथ के साथ अमेरिकी इलेक्शन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है।
और जैसा मैंने आपको बताया कि दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रणय अभी मेहमान ही है क्योंकि वहाँ अमेरिका में मौजूद है, बट स्टिल प्रणय मेरे सहयोगी हैं और मिस्टर श्रीवास्तव आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जो कि अमेरिकन हिंदू कोलिशन जो है उसके महासचिव हैं। प्रणय, पहले आपसे जानना चाहती हूँ, इस बार के चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं, शुरुआत में एकदम स्ट्रांग और पावरफुल पोजिशन में नजर आ रहे थे ट्रंप, अब जो बाइडेन, अब ये भी कहा जा रहा है कि नहीं चुनाव में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्यों ऐसा? देखिए, चुनाव में वक्त इस बार इसलिए लग रहा है रूबिका क्योंकि इस बार मेल इन बैलेट्स का इस्तेमाल हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकियों ने मेल इन बैलेट यानी डाक मतों का इस्तेमाल करके अपना वोट कास्ट किया है। अमेरिका में अर्ली वोटिंग की व्यवस्था है, आज शाम यानी अमेरिकी तारीख के अनुसार 2 नवंबर की शाम को अर्ली वोटिंग खत्म हो जाएगी। 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का वक्त था जब लोग अर्ली वोटिंग कर सकते थे, इन पर्सन भी जाके यानी आप जो है मतदान केंद्र पर जाकर वोट कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में जैसे भारत और में होता है केंद्र चुनाव आयोग जो है वो एक सबसे बड़ी एक सेंट्रल एजेंसी है, लेकिन अमेरिका में फेडरल इलेक्शन कमीशन एक सेंट्रल एजेंसी नहीं है। हर राज्य के अपने अपने नियम है, तो किसी राज्य के अंदर मेल इन बैलेट्स गिनती का प्रावधान अलग किस्म से होता है, उनकी जांच परख अलग किस्म से होती है, हर राज्य के लिए अलग अलग है। और ऐसे में ये संभव है कि 3 तारीख की शाम तक अमेरिकन मेल सिस्टम से रिसीव हुए बैलेट्स को काउंट किया जाएगा या उस दिन जो व्यक्ति मेलिंग सिस्टम में डालता है वो वोट काउंट होंगे। इनको लेकर राज्यों के प्रावधान थोड़े से अलग अलग हैं, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि मेल इन बैलेट्स की बहुत बड़ी संख्या के कारण इस बार गिनती में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। जी ओके, और आलोक श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, इस बार आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन होने वाला है सबसे पावरफुल देश का सबसे पावरफुल शख्स? ये ना बड़ी क्लोज है और इलेक्शन के बाद भी ये बहुत समय तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी पार्टी हारेगी वो कोर्ट में भी जाएगी और सब चैलेंज करेगी। और पिछली बार हिलेरी क्लिंटन जी की भी टाइम में हिलेरी जी बहुत आगे थी लेकिन ट्रंप साहब जीत गए, मुझे कुछ वैसी संभावना अब की बार भी लग रहा है। हो सकता है वो पोल्स में बड़े पीछे हो क्योंकि बहुत से लोग ओपनली अपना ओपिनियन देना नहीं चाहते कुछ राजनीतिक कारणों से, लेकिन जब वोट देने का मौका आएगा तो वो ट्रंप जी को वोट देंगे। और जैसा कहा कि अगर बहुत थोड़े वोट से भी वो किसी राज्य से जीत जाते हैं तो उस राज्य के सारे वोट ले जाते हैं, तो मेरा तो ये लग रहा है कि शायद अल्टीमेटली ट्रंप जी ही सस्टेन करें और वही अगले राष्ट्रपति बनेंगे। देखिए, इस पर पूरी हमारी पैनी नजर बनी हुई है और इसीलिए प्रणय वहां पर मौजूद है, मधु मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है। ऑल द बेस्ट आप सभी को क्योंकि आप एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका देखने वाले हैं। देखिए, यही तो एबीपी न्यूज की खासियत है, मैं यहाँ बिहार में मौजूद हूँ, दूसरे चरण का कल चुनाव होने वाला है, लोग मतदान करने वाले हैं, और उधर प्रणय मौजूद हैं जो अमेरिका के इलेक्शन पर नजर रखे हुए हैं, यानी देश भी और विदेश भी।